ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माइंड गेट। सो आज का जो सेशन है, हम इस पे मेनली डिस्कस करेंगे कि 2025 गेट माइनिंग का क्या स्ट्रेटजी एंड प्लान होगा, साथ ही क्या ट्रेंड अभी गेट माइनिंग में फॉलो कर रहा है आईआईटीज, और साथ ही हम यहाँ पे बहुत चीजें स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है ध्रुव, ठीक है, और इस बार का जो गेट है आईआईटी रुड़की के द्वारा कंडक्ट करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पैटर्न्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। ये जो गेट एग्जामिनेशन है वो इसका पैटर्न क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो ओवरऑल जो फ्रेशर स्टूडेंट है एक बार सब देख लीजिएगा। सबसे पहले ये जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, सीबीटी है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई ऑफलाइन पेपर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है, एक टेस्ट पेपर होता है, ठीक है, जिसमें दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड, एक होता है माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, और उसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एएमएसक्यू। ठीक है, और तीसरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो सिंपल सा है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन का मतलब हो गया कि चार आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कोई एक सही हो सकता है एमसीक्यू में। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसलिए सिलेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का मतलब है क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके नीचे आपको कोई इंटीजर वैल्यू को पुट ऑन करके आंसर देना होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी जो पैटर्न है मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट किया है, जो कि हमारा आईआईटी बॉडीज गेट कंडक्ट करती है, वही सिंपल यहाँ पे उन्होंने टेस्ट ऑफ एबिलिटी जो है वो रिकॉल कम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस ये वो एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, और साथ ही अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क इन पेपर, पेपर में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मेनली अगर देखा जाए तो जनरल एप्टीट्यूड जो कि ऑल ब्रांच के लिए सेम है 15 मार्क्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स, ये दोनों फिक्स होता है। ठीक है, साथ ही जो सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर्स है, लाइक हमारा जो माइनिंग इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उनसे 72 मार्क्स का पूछा जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, गेट एग्जामिनेशन पेपर में तो मार्किंग स्कीम में बता दूं थोड़ा यहाँ पे, हालांकि ये चीज आगे भी बता देंगे हम, लेकिन इसमें थोड़ा देखिएगा। अगर आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आप चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, अगर आप उसमें गलती करते हो तो आपका -1/3 मार्क्स कट होगा, इट मीन्स 0.33 गया आपका। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है एमसीक्यू, वहां पे अगर आप गलती करते हो तो 0.33 मार्क्स आपका गया। अगर यही आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एमसीक्यू में, तो यहाँ पे आपका जो मार्क्स डिडक्ट होता है वो आपका 0.66 हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एमएसक्यू और एनएटी टाइप के क्वेश्चन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू पे बहुत ध्यान दें, इसमें मैं कई बार प्रॉपर चीजें बताता हूँ कि कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चनों में कितना रिस्क फैक्टर ले सकते हो। ठीक है, आप इसमें कोई निगेटिव मार्किंग, ठीक है, तो जस्ट ये पैटर्न रहा एग्जामिनेशन का कि क्या एग्जामिनेशन है, कितने पेपर मतलब कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या मार्किंग स्कीम है, लाइक दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने यहाँ पे 2007 से कंसिडर किया है 2024 तक, 25 का ऑलरेडी आपको पता है कि आईआईटी रुड़की इस बार कंडक्ट कराना है। ठीक है, तो 2025, बाकी अभी लास्ट ईयर तुम्हारा आईआईएससी बेंगलोर ने कराया था, ये आप देख सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जस्ट ब्रीफ हो गया, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो सिलेबस है गेट माइनिंग का, जो कि ऑलरेडी आईआईटी बॉडी के द्वारा दिया गया है, उसी को मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया। उसमें मैं यहाँ पे 20 to 25 मिनट्स चर्चा करने वाला हूँ प्रॉपर। आप यहाँ पे कॉपी एंड पेन रखिए अपने पास और कुछ चीज़ें नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। तो अगर मैं बात करूँ गेट माइनिंग के सिलेबस को, तो जो सिलेबस है वो टोटल 6 सेक्शन में डिवाइडेड है, और जो एक तो सभी के लिए कॉमन है, जो ऑल ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है जनरल एप्टीट्यूड, वो तो भाई ठीक है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 6 सेक्शन में डिवाइडेड है आपका सिलेबस। तो पहला सेक्शन यहाँ पे जो है आपका माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर सेक्शन 1, जो कि है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 6 चैप्टर है, या फिर बोल सकते हैं 6 यूनिट है।
ठीक है, जिसमें से पहला यूनिट है आपका लिनियर अलजेब्रा, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, इनवर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम्स, ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं। साथ ही अगर बात करें यहाँ पे कैलकुलस, इसके बाद हम वेक्टर कैलकुलस, साथ ही डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, देन आपका न्यूमेरिकल मेथड्स। अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट की, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी तक हमारा, अगर कोर्स पीवाई को देखोगे तो आपके यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, इन टॉपिक से। तो काफ़ी जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है काफ़ी इजी है, ठीक है, अगर आप अदर ब्रांच से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सेक्शन 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 2 जो है माइनिंग जियोलॉजी माइन डेवलपमेंट सर्वेइंग, टोटल 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सब्जेक्ट है माइन जियोलॉजी, माइन जियोलॉजी आपका 2021 से पहले नहीं आया करता था, ठीक है, लेकिन इसके बाद वो सिलेबस सेपरेटली यहाँ पे ऐड किया गया है गेट के सिलेबस में, ठीक है। तो माइन जियोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक्स एंड देयर ओरिजिन क्या है, ठीक है, रॉक कैसे बना, रॉक कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और उसके ओर जेनेसिस के बारे में, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर जियोलॉजी लाइक डिस्कन्यूटी, फॉल्ट, होल्ड, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। साथ ही अगर हम बात करें माइंड डेवलपमेंट के अंदर, तो माइंड डेवलपमेंट के अंदर मैंने ये बता दूं कि कोई भी माइनिंग है उसको आप कैसे डेवलप कर रहे हो, वो सारी जानकारी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब तो इनिशियल माइनिंग कैसे स्टार्ट हुआ, वहाँ पे हमने कैसे एक्सेस किया, कौन कौन से ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है। अगर ओपन कास्ट की बात करो तो वहाँ पे हम एक्सप्लोसिव यूज करके जो भी ब्लास्टिंग करें, कितने टाइप के एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है, वीओडी कैसे निकालते हैं, पीपीवी कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और ब्लास्ट डिजाइन प्रैक्टिसेस, मतलब ब्लास्ट डिजाइन, ब्लास्ट होल कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है, एक ब्लास्ट होल उसमें कितना एक्सप्लोसिव जाएगा, ठीक, तो ये सब हम लोग इसमें देखते हैं माइंड डेवलपमेंट के अंदर। और अगर हम बात करें माइंड सर्वेइंग के अंदर, तो माइंड सर्वेइंग में आपका जो यहाँ पे लेवल्स एंड लेवलिंग, थर्डोलाइट टोपोमेट्री, और साथ ही ये जो पोर्शन है एडीएम टोटल स्टेशन, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ये आपका थोड़ा सा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन साथ जनरली पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप यहाँ से देखोगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसमें मैं जो सिलेबस दिया है माइंड सर्वेइंग के अंदर, मैं दो तीन चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है सिलेबस के अंदर, बट फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। फर्स्ट वन इज ट्रावर्सिंग, ठीक है, और साथ ही बियरिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस जनरली आते हैं, अभी अच्छे खासे क्वेश्चन को लेवलिंग, ट्रावर्सिंग और ये बियरिंग वाले कॉन्सेप्ट को रिलेट करके वहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, तो हम इन टॉपिक को भी कंसिडर करते हुए चलेंगे। साथ में ही देखें नेक्स्ट जो है सेक्शन 3, जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल, जिसका नाम एक वर्ड में दिया जाए तो इसको रॉक मैकेनिक्स समझ देते हैं। रॉक मैकेनिक्स ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट पैदा कर लेते हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए एक फेवरेट सब्जेक्ट में इंक्लूड हो सकता है, बिकॉज यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाता है गेट एग्जामिनेशन में, सबसे ज़्यादा मार्किंग सब्जेक्ट है, मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो जो मैकेनिक्स ग्राउंड कंट्रोल को, तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज यहाँ पे जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट जिसको हम लोग रॉक मैकेनिक्स बोल रहे हैं। एक सब्जेक्ट और है यहाँ पे, ठीक है, जो कि इसमें मेंशन नहीं किया है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा इस सब्जेक्ट को। तो इसमें हम लोग जनरली बेसिक्स क्वेश्चन, अभी फ्री बॉडी डायग्राम या फिर फ्रिक्शन रिलेटेड या फिर ट्रेसेस या बीम्स रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। काइनेमेटिक्स के रिलेटेड, कोई कार जा रही है, एक स्प्रिंग है पर्टिकुलर, तो वहाँ टकराई तो कितना स्टोर एनर्जी उसमें हुआ, या फिर कोई फ्री बॉडी डायग्राम दे दिया, वहाँ पे कोई फोर्स पूछ दिया, या फिर कोई एलिमेंट पूछ दिया, मिसिंग एलिमेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे जनरली भी गेट एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अगर मैं
टोटली मैं बात करूँ रॉक मैकेनिक्स के अंदर, तो रॉक मैकेनिक्स के अंदर दो पार्ट है, वन इज जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल नेक्स्ट। तो जियो मैकेनिक्स के अंदर हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें जो है हम लोग इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो जियो टेक्निकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक, जिसमें हम फेलियर क्राइटेरिया को भी कंसिडर करते हुए यहाँ पे पढ़ते हैं रॉक मास क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक को क्लासिफाई करने के लिए क्यू सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, यूनिवर्सिटी का आरएमआर वाला हो गया, तो ये बहुत सारा क्लासिफिकेशन हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। एस्टिमेशन, एस्टिमेंटेशन एंड स्टू स्ट्रेस मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें हम जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई रॉक है जो कि स्क्रू है, इंटेक्ट रॉक जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, उसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कि पर्टिकुलर समझिए कि कोई 100 मीटर डेप्थ पे कितना वहाँ पे स्ट्रेस होगा, स्ट्रू स्ट्रेस कितना होगा, वो कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकते हैं, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। साथ ही थ्योरी ऑफ रॉक फेलियर के बारे में बात करें, जैसे मैंने बताया कि आई थिंक सर ने कल की क्लास में डिस्कस किया था मोहर प्लॉक फेलियर क्राइटेरिया, जिसके अंदर हम उस टेस्ट के थ्रू, जो ट्राइएक्सियल टेस्ट हम लोग बोलते हैं, उसके टेस्ट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रेसेस के, ठीक है। तो इसके अंदर मोहर कूलॉम फेलियर क्राइटेरिया, हुक ग्राउंड फेलियर क्राइटेरिया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ग्राउंड वाइब्रेशन में। हालांकि ग्राउंड वाइब्रेशन हम लोग माइंड डेवलपमेंट के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आपका ग्राउंड ग्राउंड वाइब्रेशन माइंड डेवलपमेंट में भी कवर हो जाएगा। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड माइंड ओपनिंग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि गेट एग्जामिनेशन से मैक्सिमम, मैं बोलूँ तो हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही है, ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे भी बन रहे हैं, जैसा कि पीवाईक्यू का आपको देखोगे तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ओपनिंग के अंदर ऐसा समझिए कि कोई आप माइनिंग कर रहे हो, अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे हो कहीं पे, तो वहाँ पे आप कुछ ओपनिंग बनाओगे, शाफ्ट बना रहे हो, इंक्लाइन बना रहे हो या फिर एडिट बना रहे हो, तो अगर उसको नेचर को अगर डिस्टर्ब करोगे, तो नेचर को डिस्टर्ब करोगे तो वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, कुछ ऊपर से फोर्सेस लगाएगी, कुछ स्ट्रेसेस लगाएगी, लाइक दिस। तो आप ओपनिंग कर रहे हो तो वो पार्टिकुलर ओपनिंग पे कितना स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, क्यों स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने की जरूरत है, बिकॉज ऊपर से हमारा जो भी स्ट्रेसेस आएगा उसको ओवरकम करने के लिए आप यहाँ पे कुछ कुछ सपोर्ट दोगे ना, तभी तो आपका खड़ा रहेगा वो, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड माइंड ओपनिंग, या फिर वो शाफ्ट हो, या फिर इंक्लाइन हो, या फिर वो एडिट हो, सबसिवियंस, दिस इज ऑल्सो बेस्ट टॉपिक स्लोप स्टेबिलिटी। तो सब्सिडेंस के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के सब्सिडेंट पढ़ेंगे और उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके प्रिकॉशन क्या क्या हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। स्लोप स्टेबिलिटी, यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से डन है, ठीक है। तो स्लोप स्टेबिलिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्लोप फेलियर्स पढ़ते हैं हम लोग, प्लेन, सर्कुलर, बेस, ठीक है, जनरली सर्कुलर और प्लेन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, लेकिन हम लोग सारा उसके जो जो पैरामीटर अफेक्ट करते हैं फेलियर को, हम उसको कैसे रोक सकते हैं फेलियर होने से, ठीक है, वो सब पैरामीटर्स हम लोग इसके अंदर देखते हैं। ग्राउंड वाइब्रेशन, ग्राउंड कंट्रोल के अंदर बात करें तो डिजाइन ऑफ पिलर्स, ठीक है, हम पिलर्स को कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, कौन कौन से मेथड्स हैं पिलर डिजाइनिंग के, वो सब हम देखेंगे। रूफ सपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, माइंड फीलिंग्स, स्टार्टअप कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान, हम लोग कैसे स्टार्टअप को कंट्रोल करेंगे, उसके लिए क्या क्या मॉनिटरिंग प्लान्स होते हैं, ठीक है, ये हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो ये रहा आपका रॉक मेकिंग का सिलेबस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइनिंग मेथड्स एंड मशीनरी, सेक्शन 4। ओके, तो यहाँ पे माइनिंग मेथड एंड मशीनरी सेक्शन 4 के अंदर आपका जो पहला चैप्टर है माइनिंग मेथड, इसके अंदर आपको माइनिंग मेथड के अंदर हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं 3 मेथड्स के मेथड्स को, सरफेस माइनिंग, अंडरग्राउंड कोल माइनिंग, अंडरग्राउंड मेटल्स माइनिंग, ठीक है। तो सरफेस माइनिंग में हम लेआउट, डेवलपमेंट, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से बनते हैं। अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के अंदर बोर्ड एंड पिलर माइनिंग सिस्टम, रूम एंड पिलर, लॉन्ग वॉल, फिक्सिंग माइनिंग, अंडरग्राउंड में हम लोग जो भी डिफरेंट टाइप्स के मेथड है, ओपन, सपोर्टेड, या फिर केप्ड स्टॉपिंग मेथड्स, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर नेक्स्ट इसका पार्ट देखें माइनिंग मशीनरी, जहाँ पे हम लोग मशीनरी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे बनते हैं, लाइक प्रोडक्शन निकालने के लिए, या फिर आपका कहीं शाफ्ट दिया हो, इस बार जैसे क्वेश्चन आया था एक आपका कि जस्ट रोप्लेन पूछ दिया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए जो टॉपिक है, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द मैकेनिकल, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक पावर,
जनरली अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं। अगर मैं बात करूं एक या दो क्वेश्चन यहाँ से अभी तक 2007 से लेकर 2024 के अंदर पूछा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द मैकेनिकल पावर से पूछा जाता है, जिसमें हम लोग बेल ड्राइव, गेट ड्राइव, ये सब सारी चीजें पढ़ते हैं। मटेरियल्स हैंडलिंग, ठीक है, हम मटेरियल्स को किस कितने टाइप से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि बाया बेल्ट कन्वेयर हो, या फिर रोप वे हो, ठीक है, या फिर स्क्रैबर चेन कन्वेयर हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉलेजेस इसमें पढ़ते हैं, लाइक आपका रो फॉलेज हो, या फिर कन्वेयर्स हो, या फिर फेस डेवलपमेंट कोई मशीनरीज हो, ठीक है, होस्टिंग सिस्टम जिसके अंदर हम लोग शाफ्ट में जो भी हम लोग, या फिर स्किप बाइंडिंग सिस्टम हो, या फिर वो आपका केज बाइंडिंग सिस्टम हो, या फिर मल्टी रोप केज बाइंडिंग सिस्टम हो, ये सब हम लोग यहाँ पे होस्टिंग सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। पंप्स रिलेटेड, डिफरेंट टाइप के पंप्स, उससे रिलेटेड प्रोडक्शन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इसके अंदर, फिर आपका कम्युनिकेशन मेथड्स एंड मशीनरी। इसमें जल्दी हम लोग कोई भी अगर कहीं पे ब्लास्टिंग किया तो नंबर ऑफ सब बड़ा बड़ा बोल्डर क्रिएट होता है, उसको हम कैसे साइजिंग करके एक पर्टिकुलर साइज को हम बेल्ट कन्वेयर पे लोड कर सके, क्योंकि बेल्ट कन्वेयर पे हमको एक साइजिंग करने के बाद अगर कोई बड़ा बोल्डर आ रहा है तो उसका साइजिंग करना इंपॉर्टेंट है, तो उसी टाइम हम कर पाए जहाँ पे ब्लास्टिंग हो रहा है उसी पे कोई क्रशर प्लांट या फिर मोबाइल क्रशर वगैरह इंस्टॉल करके वहाँ पे हम उसको क्रश करके उस बेल्ट कन्वेयर, पर्टिकुलर बेल्ट कन्वेयर पे दे सके। तो ये सारी चीजें हम लोग माइनिंग मशीनरी के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका सेक्शन 5, सरफेस एनवायरमेंट माइन वेंटिलेशन अंडरग्राउंड हजार। तो ये जनरली देखो सेक्शन 5 जो है आपका हवा पे डिपेंड करता है, जबकि तो माइंस, अगर अंडरग्राउंड माइंस है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें कितनी हवा जानी चाहिए, क्या गैसेस हैं, कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें करता है। अगर ओपन कास्ट की बात करें तो वहाँ पे कितना डस्ट परसेंटेज है, ठीक है, एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है, ये सब कैसे हम मेजर कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोग सेक्शन 5 के अंदर पढ़ते हैं। देखते हैं इसके डिटेल्स में। तो सरफेस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग एयर, वाटर, सॉयल पोल्यूशन पढ़ते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन इसी के अंदर है, लैंड रिक्लेमेशन AIA, यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन जनरली बनते हैं। देन देखें माइंड वेंटिलेशन, तो माइंड वेंटिलेशन ये आपका जो सब्जेक्ट है काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसको जब पढ़ोगे आप में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन इसको 2 से 3 बार रिविजन करने के बाद वो आपको छोटा लगने लगेगा, ठीक है ना। तो अरे यहाँ से क्वेश्चन जल्दी अभी जो पूछा जा रहा, पहले तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आते थे, ठीक है, लेकिन अभी जल्दी आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, पहले आपका 8 से 9 नंबर का माइंड वेंटिलेशन पूछा जा रहा था, ठीक है, लेकिन ऐसा मत मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर का, आपको हर एक सब्जेक्ट प्रॉपर फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। तो माइंड वेंटिलेशन के अंदर अंडरग्राउंड एटमॉस्फेयर, हीट लोड, थर्मल एनवायरनमेंट, एयर कूलिंग, मैकेनिक्स ऑफ एयर फ्लो, ठीक है, माइंस में कैसे एयर कूलिंग होता है, ठीक है, नेचुरल एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, ओके, माइंस फैन यूजेस, कितने टाइप के फैन होते हैं, ठीक है, उसके क्या यूजेस है, कहाँ पे इंस्टॉल करना है, एक्चुअली वेंटिलेशन किसे करते हैं, वेंटिलेशन सर्वे क्यों करते हैं, ठीक है, क्या क्या उसके लिए रेगुलेशंस हैं, और वेंटिलेशन नेटवर्क क्या होता है, ये सब बारे में हम लोग माइंड वेंटिलेशन के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही बात करें अंडरग्राउंड हजार्ड्स, ठीक है, तो हजार्ड्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं माइन गैसेस के बारे में, मेथेन ड्रेनेज, अंडरग्राउंड हजार्ड फ्रॉम द फायर्स, कि जो भी अंडरग्राउंड में हजार्ड्स होते हैं वो फायर से क्या क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन से हो सकता क्या हो सकता है, उसको कैसे उसका क्या प्रिकॉशन है, डस्ट से क्या हो सकता है, इनंडेशन से क्या हो सकता है, रेस्क्यू अपरेटस एंड प्रैक्टिसेस, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, ठीक है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, उनका क्या काम रहता है, ये सब इसके बारे में, एक्सट्रीम डाटा एनालिसिस, असेसमेंट कैसे करते हैं उसका, माइन लाइटिंग, माइन लेजिलेशन एंड ऑकेशन हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। तो जल्दी हम लोग अंडरग्राउंड हजार्ड के अंदर क्या क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसको उसको कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका क्या प्रिकॉशन हो सकता है, ये सब बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो कि लास्ट सेक्शन है आपके सिलेबस का, मिनरल इकोनॉमिक्स एंड माइंड प्लानिंग एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। मिनरल इकोनॉमिक्स, देखो कई बार इसको माइन इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये मिनरल इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो मिनरल इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग मिनरल रिसोर्स क्लासिफिकेशन, कई बार हम इसको माइन इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनरल रिसोर्स क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, डिस्काउंटेड
ए नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जिसमें हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR निकालना है, ये सब हम लोग सीखते हैं इसके अंदर, ठीक है। माइन वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, कोई भी माइंस खुली हुई उसको कैसे, उसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं कि माइंस कितने करोड़ रुपए की है, वो सब, उसके लिए कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। वो माइंस प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, उसके क्या क्या एनालिसिस करने के लिए मेथड्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं माइन वैल्यूएशन के अंदर। मिनरल टैक्सेशन, आप कहीं पे कोई भी माइनिंग कर रहे हो तो वहाँ पे जो भी मिनरल से कर रहा है उसका टैक्स किस किस स्टेट के, स्टेट गवर्नमेंट को कितना जा रहा है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जा रहा है, लाइक दिस, ठीक है। कौन से मिनरल इसमें परमिशन दे सकता है माइनिंग करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट कौन से मिनरल्स को दे सकता है परमिशन माइनिंग करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा परमिशन दे सकता है मिनरल्स को माइनिंग करने के लिए, ये सब हम लोग इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका मिनरल इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं माइंड प्लानिंग के अंदर। तो माइंड प्लानिंग का जो सिलेबस है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से खत्म होता है, खूब लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। डरने की बात नहीं है, यहाँ से जनरली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम लोग, मैं देखता हूँ ना कि इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, हार मान जाते हैं जो प्रीवियस ईयर तैयार करें। लेकिन अगर सही से पढ़ोगे ना, एक बार मैं बताता हूँ ना, कोई भी सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से पढ़िए फुल कंसंट्रेशन के साथ। ऐसा नहीं कि कोई आपका सीनियर्स ने बोल दिया है माइंड प्लानिंग बहुत कठिन है, इसमें क्वेश्चंस में आएगा तुम फिर तब भी तुमसे नहीं बनेगा, ये गलत फहमी है तुम्हारी, ठीक है। इस गलत फहमी में नहीं रहना है, प्रॉपर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है, हर एक टॉपिक को। तो माइंड प्लानिंग के अंदर अगर देखें पर्टिकुलर, तो सैम्पलिंग मेथड्स, ठीक है, चाहे वो चिप सैम्पलिंग हो, या फिर ग्रेप सैम्पलिंग हो, या फिर चैनल सैम्पलिंग हो, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैम्पलिंग मेथड्स पढ़ते हैं, उसके प्रैक्टिस क्या क्या है, इंटरप्रेट करके कैसे हम उसे ग्रेड वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर वहाँ पे हम रिजर्व एस्टिमेशन टेक्निक्स क्या क्या होती हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहेंगे रिजर्व, बेसिक ऑफ जियोस्टेटिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को, चाहे वो सेमी वेरिएबल मॉडल हो या फिर आपका सर्कुलर मॉडल हो, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ये सब देखते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फैसिलिटी लोकेशन, ठीक है, अगर आपका कहीं माइनिंग हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट माइनिंग है, मान लीजिए 3 माइंस है, 1 2 3, ठीक है, सिटीज में, और एक पावर प्लांट भी है सिटीज में, ठीक है। तो वहाँ पे उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, उस जो पावर प्लांट का क्या लोकेशन होना चाहिए कि उसका जो वहाँ से जो भी प्रोडक्शन हो माइनिंग का, वो मान लीजिए कोल निकल रहा है तो वहाँ तक इजिली पहुँच पाए, और जो डिस्टेंस वो भी मेंटेन रहे, ठीक है, चारों 3 4 माइंस के बीच के, ठीक है। तो उसका क्या थर्मल पावर प्लांट का क्या लोकेशन होना चाहिए, उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर हम तो एग्जाम्पल दिए, ऐसे आप माइनिंग में अगर कहीं माइनिंग चल रहा है तो वहाँ पे क्रशर का क्या लोकेशन हो सकता है, या फिर आपका ड्रग लाइन का क्या लोकेशन है, ये सब डिसाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। माइंड प्लानिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स, क्या माइंड प्लानिंग करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ माइंड साइज, माइंड का साइज कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, उनके मेथड्स क्या है, ठीक है। अल्टीमेट पिट कॉन्फिगरेशन एंड इट्स डिटरमिनेशन, ठीक है, जैसे ओवरऑल स्लोप एंगल हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बट ये कैसे हम लोग अल्टीमेट पिट कॉन्फिगरेशन, जो ओवरऑल हमारा जो ओपन कास्ट में हमारा जो बेंच के थ्रू एक पिट कॉन्फ़िगरेशन बताया, वो कैसे लोग डिसाइड करते हैं और उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं प्लानिंग के अंदर। ऑप्टिमल मील कट ऑफ ग्रेड एंड इट्स डिटरमिनेशन, तो ऑप्टिमल मील कट ऑफ ग्रेड अलग 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 ओर का कैसे निकालते हैं, सब हम देखेंगे यहाँ पे। स्टॉप प्लानिंग, डिजाइन ऑफ हॉल रोड, सिलेक्शन ऑफ माइनिंग सिस्टम, वाइस वर्सा इक्विपमेंट सिस्टम, ओके। तो ये कुछ रहा आपका माइंड प्लानिंग का सब्जेक्ट। लास्ट जो सब्जेक्ट है आपका सिस्टम इंजीनियरिंग, ये बहुत इजी सब्जेक्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ सिंपल सिस्टम, मेंटेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट प्रॉब्लम, नेटवर्क एनालिसिस, इन्वेंटरी मॉडल्स, क्यूइंग थ्योरी, डिसीजन ट्रीज। तो जो सब्जेक्ट है इसमें टॉपिक्स बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन ये मोस्टली आपका 15 to 16 लेक्चर्स में खत्म हो जाता है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट। और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं आपका सिंपली 5 to 7 मार्क्स के जाने पूछा जाता है हर साल, और यहाँ से आप अच्छा खासा, क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपली असाइनमेंट प्रॉब्लम दे दिया, सॉल्व कर दिया, इसका आंसर मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिल गया, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल सिलेबस, जो कि आपका माइनिंग इंजीनियरिंग के नाम से है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ चीजें हैं,
जो कि जनरल एप्टीट्यूड जो कि हर एक ब्रांच के लिए सेम होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो माइनिंग इंजीनियरिंग में एक बार कंक्लूड कर रहा हूँ। टोटल 6 सेक्शन, पहला सेक्शन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दूसरा सेक्शन आपका माइनिंग जियोलॉजी एंड माइन डेवलपमेंट, ठीक है, तीसरा सेक्शन जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल्स, ठीक है, जिसको हम लोग रॉक मैकेनिक्स करते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट और होता है इसमें न्यू मैकेनिक्स। साथ ही इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 4 माइनिंग मेथड्स एंड मशीनरी, जिसके अंदर माइनिंग मेथड माइनिंग मशीनरी, सेक्शन 5 सरफेस एनवायरमेंट माइनिंग मटेरियल हजार, सेक्शन 6 मिनरल इकोनॉमिक्स माइन प्लानिंग सिस्टम यूजिंग, ये हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड जो कि सारे ब्रांच के लिए कॉमन होता है, जो कि 15 मार्क्स कैरी करता है आपके गेट एग्जामिनेशन में, और यही रैंक भी डिसाइड करता है आपका, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो जनरल एप्टीट्यूड अगर मैथमेटिक्स सीखा स्ट्रांग है ना, तो डबल डिजिट में उसको आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना, अगर स्ट्रांग है आपका तो। चलिए देखते हैं हम लोग। तो जनरल एप्टीट्यूड जो सिलेबस है इसको, ये भी आपको 4 चैप्टर में डिवाइड है, या भी बोल सकते हैं 4 यूनिट में डिवाइड है, 4 यूनिट में। तो फर्स्ट यूनिट वर्बल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर हम लोग बेसिक्स इंग्लिश, ठीक है, जो भी आप बचपन में पढ़ा करते थे वही सब इंग्लिश छोटा छोटा आता है, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में सिंपली यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ, या फिर बात करें रेशियो, परसेंटेज, न्यूमेरिकल्स कंप्यूटेशन, या फिर लॉगरिथम, परमुटेशन, कम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जिसमें हम लोग लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, इंडक्शन एनालिसिस, न्यूमेरिकल रिलेशंस, ठीक है, अभी ब्लड रिलेशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ स्पेटल एप्टीट्यूड के अंदर, यहाँ पे आपको कोई भी डायग्राम रहेगा उसको बोल देगा इधर मोड़ दो उधर मोड़ दो, तो इसका क्या ओवरऑल फिगर बनेगा, या फिर बोल दे वाटर इमेज, या फिर बोले मिरर इमेज क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिरर असेंबली एंड ग्रुप, पेपर ऑफ फोल्डिंग, कटिंग एंड पैटर्न्स इन 2 एंड 3 डायमेंशन। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, इसमें एक दो क्लास करोगे तो आप ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस के बाद हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ही बनाया है, ठीक है, मतलब कि ऐसा अगर मैं एक क्वेश्चन पेपर लिया उसमें हर एक क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आया है उसको करते करते फाइनल कंक्लूजन आपके पास है, ठीक है। तो 23 तक पहले था, 24 भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट सेक्शन से या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे उससे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये दोनों तो फिक्स है, ये दोनों तो फिक्स रहता है, ये दोनों तो फिक्स है। माइंड जियोलॉजी इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, माइंड डेवलपमेंट 6, माइंड सर्वेइंग 4 मार्क्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 4, ठीक है, रॉक मैकेनिक्स 11 मार्क्स का, 8 मार्क्स का माइनिंग मेथड्स, यहाँ पे माइंड मशीनरी थोड़ा सा डोमिनेट हो गया इस बार, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगर सरफेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो 4 नंबर का, माइन वेंटिलेशन 5 नंबर, अंडरग्राउंड हजार 5 मार्क्स, मिनरल इकोनॉमिक्स 5, माइन प्लानिंग 3 मार्क्स, और सिस्टम इंजीनियरिंग 7 मार्क्स। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं बोलता हूँ सिस्टम इंजीनियरिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 7, 8, 5, 9, इस तरह से आपको रिस्पी पूछे जाते हैं, और इजी क्वेश्चन आया है अभी तक। मैंने यहाँ पे एवरेज लेके दिया है कि लास्ट 5 ईयर 24, 23, 22, 21, 20, ठीक है, तो रिस्पेक्टली यहाँ पे मैंने इसका एवरेज निकाल के लिखा हुआ कि एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 1 नंबर का एवरेज जियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 7 नंबर का क्वेश्चन माइंड डेवलपमेंट से एवरेज मिल पूछे जाते हैं, और सर्वेइंग से बात करें तो 6 मार्क का एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो आप ये आराम से देख लीजिएगा, मैं इसको शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ओके नेक्स्ट, मैंने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है 2007 to 2024, जिसमें मैंने ये बताया है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे गए, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस फिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, माइंड डेवलपमेंट से 4, जियोलॉजी से 0 था, सर्वेइंग से 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, तो लाइक दिस आपका टोटल 65 क्वेश्चंस आपके पेपर्स में मिला के पूछे गए। ओके सो नेक्स्ट, ये ग्राफ देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन वाइज, तो क्वेश्चन वाइज में भी जो रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल आपका हाईएस्ट
स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो माइनिंग मेथड्स, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिस्टम इंजीनियरिंग, तो ये जस्ट आपका एक सिक्वेंस बना के देख सकते हैं कि कौन सा बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मार्क वाइज देखें तो सब्जेक्ट वाइज है तो क्वेश्चन वाइज है तो मार्क वाइज भी ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं रॉक मैकेनिक्स हाईएस्ट, फिर इसके बाद आपका माइनिंग मेथड्स यहाँ पे मार्क वाइज ज्यादा आता है, ठीक है। इसके बाद सिस्टम इंजीनियरिंग, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंने यहाँ पे टोटल 5 ईयर्स का एवरेज लेके क्वेश्चन वाइज एंड मार्क वाइज यहाँ पे ग्राफ दिया है। तो कई बार पूछते हैं स्टूडेंट की सर कौन सा टॉप 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली देख के डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्या मार्क्स है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिलेबस क्या है, ये मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, कुछ लोग को स्टडी मटेरियल की पड़ी रहती है, स्टडी मटेरियल क्या क्या हो सकता है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा मैंने लिस्ट लिख के दे दिया है, ठीक है। ये जो बुक्स हैं आपको माइंडगेट के टेलीग्राम चैनल्स पे, वहाँ पे अगर जाकर सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जाके, तो वहाँ पे आपको ये सब PDF मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के पार्टिकुलर कौन कौन से बुक्स फॉलो करने से है गेट के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको प्रोफेसर ए के गुराई सर का तो बुक होना ही चाहिए। इसके साथ ही 2027 टू 2025 सॉरी 24 तक का आपके पास गेट माइनिंग PYQ होना चाहिए। ओके, 2 मिनट में बोलना चाहूंगा व्हाट इज द रोल ऑफ PYQ इन गेट एग्जामिनेशन, गेट माइनिंग एग्जामिनेशन। ओके, सो मैं बोलूँ यहाँ पे कि हर साल 40 to 50% क्वेश्चंस डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किए जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको उठा के डाल दिया, कॉन्सेप्ट टोटल वही है, बस डाटा को इंटरचेंज किया जाता है, ठीक है। तो 2007 टू 2024 जो है इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। इसमें हम लोग बहुत अच्छे से क्लासेस भी कराते हैं, डिस्कशन क्लासेस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल। अगर 2023 का पेपर उठा के देखिए, 24 का भी पेपर उठाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हो तो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं। तो अभी आपको ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर ही लगाना स्टार्ट कर देना, पहले सिलेबस पढ़ लो, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सिलेबस पढ़ोगे तभी तो PYQ बनेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल्स। नेक्स्ट, जो लोग भी अगर न्यू स्टूडेंट है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, अगर ज्वाइन करना चाहता है माइंड गेट के साथ, तो जो माइंड गेट्स डिफरेंट डिफरेंट उसका जो कोर्स फीचर्स है, लाइक हम लोग लाइव मेंटरशिप का प्रोग्राम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ये सब तो चलता ही है। साथ ही हम लोग अभी मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होंगी, और सैटरडे को एक डाउट डाउट क्लियरिंग क्लास या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास हम लोग कराएंगे। संडे को आपको वीकली टेस्ट होता है। साथ ही हम लोग लाइव क्लास में स्टूडेंट टू टीचर लाइव इंटरेक्शन देते हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट सिक्वेंस भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एकदम टफ सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा है और हार मान के चला गया, ऐसा नहीं। ऐसा सीक्वेंस प्लान रहता है कि आपको ये सब्जेक्ट में दूसरा सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा, ठीक है। तो बात करें तो यहाँ पे जो 20% का ऑफ चल रहा था, 8th अप्रैल तक है। क्योंकि मैं बता दूं हमारी जो माइंड गेट की जो फीस है पिछले 3 सालों से सेम है, कॉन्स्टेंट चल रही है, जबकि हमारे देश का इन्फ्लेशन 4 to 5% है, ठीक है ना। तो हम लोग कॉन्स्टेंट उसी फीस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जिस क्वालिटी का माइंड गेट काम कर रहा है वो आप जो हमारे पास आउट स्टूडेंट या प्रीवियस स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा। ओके, सो आप अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में बता सकते हैं, दिस इज फाउंडेशन कोर्स। ओके, हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि कैसे हम ज्वाइन करें, ठीक है। काफी लोगों का मैसेज आ रहा था कहाँ ज्वाइन करना है। पिछले 3 साल से हमारी जो क्लासेस चल रही थी माइंड गेट के जो एप्लीकेशन था उस पर चल रहा था, लेकिन अभी अचानक सब चेंज हो गया है। तो सबसे पहले अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो अपने मोबाइल में जाना प्ले स्टोर में, माइंड गेट प्राइम एप्लीकेशन होगा, सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको, अगर आप ऑलरेडी बैच में इनरोल है आपका, मतलब एडमिन मोड से आपको आईडी पासवर्ड दे दिया गया, तो सिंपली डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो क्रिएट अकाउंट करके आप यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। साथ ही अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी इनरोल हैं तो आपको ऐसा बैच दिखेगा ऊपर में, इस टाइप का बैच, ठीक है। इस बैच पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तब को आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा बन के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी इनरोल हैं तो परचेज करने के लिए नहीं बोलेगा, अगर इनरोल नहीं है तो यहाँ पे आपको सिंपली
जैसे कि अभी ऑफ चल रहा है 20%, तो ये आपको करके यहाँ पे फीस पे करने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे थे कि इस पे जब क्लिक करोगे ना, इस पे जब क्लिक करोगे इसी के ऊपर, तो आपको कुछ ऐसा बन के आएगा। ऐसा बन के मतलब इसमें आएगा गेट माइनिंग 2025 फाउंडेशन कोर्स। इसमें आपको क्या मिलेंगे, अभी जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्लासेस चल रही है, तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियोज पीडीएफ वगैरह सारा चीज यहाँ पे दिखेगा आपको इसी के साथ। ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकुलर सब्जेक्ट बढ़ेगा तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे माइनिंग वेंटिलेशन वेंटिलेशन स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर जो भी लेक्चर 1 है 2 है उस पर टाइप करेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं सीधे। लाइव क्लास अगर होती है तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो कोई लाइव क्लास शेड्यूल होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर क्लास जूम पे होगा क्या? नहीं, क्लास जूम पे नहीं होगा अभी, बेसिकली सब चीज सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए हम लोग जूम के थ्रू कर रहे हैं। जो क्लासेस है वो आपका एप्लीकेशन के अंदर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, लिंक नहीं मिलेगा, सॉरी। साथ ही यहाँ पे पीडीएफ से रिलेटेड चीज़ है, तो यहाँ पे जनरली आपको पीडीएफ तो इसी के अंदर मिल जाएगा, बट एक अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन देना हो या फिर कोई लाइक असाइनमेंट देना हो या फिर कुछ और देना हो, तो यहाँ पे पीडीएफ सेक्शन मिल जाएगा। बाकी टेस्ट सेक्शन जो है, टेस्ट यहाँ पे जो भी वीकली टेस्ट हो रहे हैं या फिर फुल लेंथ टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये रहा पेड स्टूडेंट के लिए। बाकी अभी जो कोर्स है हमारा, एक ही कोर्स लॉन्च हुआ है, गेट माइनिंग 2025 फाउंडेशन कोर्स, तो यही आपको दिख रहा होगा। अगर कोई गेट टेस्ट सीरीज भी परचेज करना चाह रहा था तो उसका भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको 1 महीने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी नया एप्लीकेशन है, थोड़ा उस जो भी हमारा टेस्ट है उसको इम्पोर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, बाकी बाकी जो यहाँ पे बने बहुत ही स्मूथ रखा है, बहुत ज़्यादा इसमें काम झाम नहीं है इस एप्लीकेशन के अंदर। सिंपल इस पर टैप करोगे तो वही आपका प्रोफाइल रिलेटेड या फिर जो भी चीज़ें हैं, 2-3 आइकन दिया है, बाकी नीचे दिया है, तो बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन को मैंने डिज़ाइन करवाया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है। बाकी टेस्ट पोर्टल S2H जैसे कि गेट एग्जामिनेशन में होता है उसी के तरह सेम टू सेम है। ठीक है, ये रहा आपका। बाकी कोई अगर मैकबुक iOS यूजर्स हैं, PC वाले हैं, तो वो लोग ये सर्च कर सकते हैं, prime.mindgate.co.in। ठीक है, आपको हम गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप सिंपली इस तरह से आप पोर्टल बन के आएगा, prime.mindgate.co.in वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप सिंपली लॉग इन पे टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पे जाके कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, लाइव क्लास को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये आपका 8 मार्च तक, 8 अप्रैल तक है। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ कैसे ज्वाइन करना है। ओके, मैं कुछ बात करता हूँ यहाँ पे अभी रोड मैप का, आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। देखिए, हमारी क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, चलेंगे कहाँ तक, लास्ट अक्टूबर। ठीक है, रोड मैप तो स्टार्ट यहाँ से हो रही है, खत्म हो जाएगी, तो टोटल इसके बीच में ये जो वीकली जो क्लासेस होंगे उसको देख लीजिए थोड़ा सा। वीकली आपका मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस रहेगा आपका, डेली 2 क्लासेस। ठीक है, और संडे को गेस्ट, और सैटरडे जो टाइम रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डाउट क्लास। ओके, तो ये बिक्री का प्लान रहेगा, बाकी मैंने बता दिया। ठीक है, संडे को टेस्ट, टेस्ट वो कुछ लोग का जोश कम हो जाता है शुरू शुरू में, सोचते हैं कि टेस्ट दे कि नहीं, हमारा तैयारी नहीं हुआ है। अरे कुछ भी तैयारी हो, जैसे ने बताया था ना सिविल सर ने, जब प्रोडे से क्लास लिया था, आपका जितना भी तैयारी है टेस्ट दीजिए, मतलब आप डे बाय डे काम कीजिए। ठीक है, डे टू डे आप काम कीजिए, हर दिन का काम उसी दिन कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने नहीं, 2 क्लास रहेगा, 2 क्लास मतलब आप मैक्सिमम डे, हमारी क्लासेस जो होती हैं 1 घंटा 30 मिनट की होती है। ठीक है, तो 3 घंटा मान लीजिए क्लास होगा, मैं मानता हूँ मान लीजिए 4 घंटा चला गया। ठीक है, तो कम 1 घंटा आप दीजिए रिविजन करने में, जो क्वेश्चन है लगाने में, तो टोटल आप 5 घंटे दीजिए, 4 से 5 घंटे आप दीजिए, वो इनफ है, बहुत इनफ है, मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देना है आप। ठीक है, इतना कीजिए, आप खुद पाएंगे कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है ना,
और बात करें कि सर लास्ट अक्टूबर को सिलेबस तो कंप्लीट कर देंगे आप, लास्ट अक्टूबर को सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, अब करेंगे करेंगे आगे क्या होगा, ये हमारा जो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तो एक गेट एग्जामिनेशन है, ये 3 महीना क्या करेंगे हम, घूमने चले जाएंगे क्या सर? नहीं भाई घूमने नहीं जाना है, नहीं हम अपने को छोड़ेंगे, ठीक है? तो इन 2 महीनों में हमारा क्या होगा, इधर टेस्ट सीरीज, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम जो चलता रहता है उस तो आपको पकड़ पकड़ के पढ़वाएंगे, ठीक है ना? आप कहीं घूमने जा रहे हो तो वो सब आपके जो जो भी आपका रिपोर्ट है वो सब एक्सेस करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या लेवल है आप कैसे कहाँ पर लाइज कर रहे हो, तो वहाँ पे हम लोग ये मेंटरशिप प्रोग्राम में सब चीज़ें करते हैं। इस जो जनवरी मंथ है वो उसमें हम लोग जनरली पी वाई क्यू डिस्कशन चलता है टोटली, इसमें हम लोग जनवरी मंथ को पी वाई क्यू डिस्कशन पे देते हैं, ठीक है? और जनवरी मंथ में थोड़ा सा हम लोग ना पी वाई क्यू डिस्कशन एंड रिविजन दो चीज़ करते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? फरवरी अपना एग्जामिनेशन, ठीक है, ये हमारा वार के लिए रेडी रहो यहाँ पे। तो ये कुछ रोड मैप है, ठीक है? बाकी इसके अलावा भी कुछ अगर कुछ डाउट होता है तो मैं नेक्स्ट आगे भी ले लूंगा क्वेश्चंस, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट योर गेट एग्जामिनेशन, सिलेबस, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है? बाकी कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, अभी जो गेट है वो आपका डायनेमिक नेचर्स को फॉलो कर रहा है। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो क्वेश्चंस है वो आपका जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़े, मान लीजिए कोरिलेशन सर्वे पढ़ा या फिर कोई आप मशीनरी से रिलेटेड पावर ट्रांसमिशन रिलेटेड, तो उससे कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, व्हाट इज इट कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, पावर ट्रांसमिशन पढ़ा, उससे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कई बन सकते हैं, इधर भी ये बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, कुछ अलग तरीके से, कहीं कहीं टॉर्क निकालने के पूछ दिया, कहीं पावर निकालने के लिए पूछ दिया, कहीं पे आपका आरपीएम निकालने के लिए पूछ दिया, कहीं पे स्पीड निकालने के लिए पूछ दिया, कहीं लीनियर स्पीड पूछ दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको डिस्कस या फिर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर आप 25 जनरेशन को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर है डायनेमिक हो चुका है। आप ओनली कॉन्सेप्ट पढ़ के, ओनली फार्मूला रट के, जो फार्मूला पहले फिट हो जाता था बिफोर 20s, ठीक है, 2020 से पहले ऐसे पेपर आता था, ठीक है ना? तो ज्यादा काम धाम नहीं करना पड़ता था, ठीक है? तो वो ट्रेंड अब कम फॉलो कर रहा है गेट। अब हमको कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना है, हर एक डायरेक्शन में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर इनमें से मान लीजिए अगर क्वेश्चन फंसता है तो मैं देखते ही सॉल्व कर लूंगा उसको, मतलब समझ रहे हैं? इतना प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए और इतना प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आप लोग, डोंट वरी इसके लिए, ठीक है? इस बार जो क्वेश्चन का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, समझ रहे? ये जो हमारा सैटरडे वाला जो सैटरडे वाला टाइम है ना, इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही देने वाले हैं, ठीक है ना? कई लोग का इशू रहता है सर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ज्यादा करें, जैसे हमारे किसी का ड्रॉप है या फिर 2 साल से गेट दे रहे नहीं निकल रहा है, उनका मेजर इशू होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, सबका नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं लगाए हैं वो, ठीक है? आपने पी वाई क्यू एटलीस्ट सॉल्व ही नहीं किया होगा अच्छे से, मुझे पता है, अगर अच्छे से देखोगे तो। अगर आपसे पी वाई क्यू बन रहा है तो क्वेश्चन वैरायटी बनते होंगे, पी वाई क्यू बनने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, उसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको बनना चाहिए, ठीक है? तो एक कुछ चीजें हैं, बाकी मैं अपकमिंग क्लासेस में हर एक सब्जेक्ट में कैसे डील करना है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए यहीं पे एंड करेंगे सेशन को, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं। मैं फर्स्टली रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन ले सकें। ओके, सो थैंक यू इस सेशन के लिए, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके आपका क्वेश्चन लेता हूँ।